नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा समय आने से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला बुरा समय उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक चाक की तरह घूमा करते हैं और ये निरंतर मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक आते ही रहते हैं। इसलिए अच्छे और बुरे समय इन दोनों को मनुष्य को सेवन करना चाहिए और सदैव ही ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। अच्छे समय में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए और बुरे समय में ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देने लगती है, क्योंकि वास्तु के अनुसार इन सभी चीजों में एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आचरण से प्रभावित होती है। नशा करना, कलेश करना, लूटपाट करना, झूठ बोलना, पर स्त्री गमन आदि प्रकार के दुष्कर्मों के कारण घर में वास्तु दोष निर्माण हो जाते हैं, जिससे परिवार पर संकट खड़े होते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देती है। अगर आपके जीवन में बुरा समय आने वाला है तो आपको उसके लिए सावधान रहना चाहिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहकर बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि क्या है वो संकेत। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से एक बार कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। पहला संकेत है दोस्तों, तुलसी का पौधा। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देने लगता है। तुलसी का पौधा एक बड़ा ही संवेदनशील पौधा है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। तुलसी मैया जिस घर में सदा हरी भरी रहती है उस घर में सुख शांति बनी रहती है। किंतु अगर तुलसी मैया किसी कारणवश सूखने लग जाए तो परिवार पर संकट आ जाते हैं। इसलिए तुलसी माँ को नित्य जल अर्पित करें और उनकी पूजा करें ताकि वो कभी भी ना सूखे। इससे आने वाली मुसीबतें भी टलने लग जाएंगी। दूसरा संकेत दोस्तों, द्वार पर गाय का ना आना। जिस घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है उस द्वार पर गाय नहीं आती। ऐसे घर के सामने से वो दूसरे द्वार पर चली जाती है, किंतु उस द्वार पर नहीं जाती जिस घर में पाप कर्म किए जाते हैं, दिन रात कलेश होता है। ऐसे घर की रोटी गौ माता नहीं खाती, इसलिए इसे संकेत के रूप में माना जाता है। अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है झाड़ू का बार बार टूटना। अगर घर में साफ सफाई करते समय बार बार झाड़ू टूटती है या उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो ये अपशगुन माना जाता है। इसलिए ऐसी झाड़ू को तुरंत बदल लेना चाहिए और नई झाड़ू लाकर उसकी पूजा करने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। इससे आने वाला आर्थिक संकट भी टल जाता है। दोस्तों, अगला संकेत है दूध के बर्तन का आपके हाथ से छूटकर नीचे गिरना। वास्तु में इसे भी अपशगुन माना गया है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। अगला संकेत है पंछियों का मरना। अगर घर के छत पर अचानक पंछी आकर मर जाते हैं तो ये भी अपशगुन माना जाता है। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो और अचानक से आपके हाथ से थाली छूटकर नीचे गिर जाए तो समझ लीजिए भगवान आपको आने वाले बुरे समय के बारे में आगाह कर रहे हैं। ये संकेत है कि आपसे देवतागण नाराज हैं, इसलिए पूजन विधि में सुधार की आवश्यकता है। अगर अचानक ही घर के सदस्य के बीच में कलेश बढ़ने लगे, घर के पुरुष छोटे छोटे कारणों से गुस्सा होने लग जाते हैं तो ये भी आने वाले बुरे समय का संकेत है। इसलिए तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो ईश्वर का नाम लेना चाहिए और शांति से बैठकर पूजा पाठ करें, मन को किसी शांत काम में लगाएं। इसके साथ ही रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। घर पर सुबह के समय सुहागन महिला के द्वारा सिंदूर लगाते समय सुहागन की सिंदूर की डिबिया अगर गिर जाती है तो उसके पति के कारोबार के लिए बुरा संकेत माना जाता है। कांच का टूटना भी एक बड़ा अपशगुन माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में अचानक कांच का टूटना किसी बीमारी को आमंत्रण देता है।
ऐसे में जिस व्यक्ति से कांच टूटा है उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो कुछ संकेत जो बुरा समय आने से पहले ही हमें मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।